मैं चाह रही थी कि आपने इतने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं मोइन के लिए, तो उनको कहें कि उनमें से जो एक कैरेक्टर इसने कोई से भी जो इसने किए जो इसको अच्छा खुद अच्छा लगे उसने करके दिखे हिम्मत एक यादव आपने लिखा था एक सेठ अगवा जो हो गया उनको अगवा किया 2 करोड़ रुपए तावान लेके छोड़ा अब वो डरे हुए हैं बहुत टीवी का नुमाइंदा आके पूछ रहा मैं पाकिस्तान टेलीविजन से हाजिर हूँ कहे को आपका इंटरव्यू करना हम कॉम को बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हो कि कॉम पहले ही सब कुछ जानती है नहीं हम ये बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं अब जो लोग अगवा किए जा रहे थे वो वापस मिल रहे हैं तो कौन कौन अगवा हुआ आप हुए थे ना मैं कब हुआ था कैसी बात कर रहे हैं आप अगवा हुए तू क्या दोबारा करवाएगा नहीं मुझे सिर्फ जरा सी तफसील बता दे क्या की तफसील अगवा में कोई कौन आदमी है ये कौन है ये सफेद बालों वाला कौन है अगवा की क्या तफसील होती है नहीं हुआ क्या था ऑफिस में 4 आदमी ना गए कहा ऑफिस ओ पी पी ये कौन ओ पी पी एच आई सी ई ऑफिस ये गैर आदमी मैट्रिक कर लेता तो आज स्पेलिंग नहीं पूछता मेरे ऑफिस में आ गए 2 आदमी हाथ में बंदूकड़ी लेके क्या लेके बंदूकड़ी छोटी थी इसलिए बंदूकड़ी बड़ी होती है तो बंदूकड़ा आगे मेरी कनपट्टी तो लगा दिया मेरे को बोला निकालो 2 करोड़ रुपए नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे मैंने 1 सेकंड के 1000 रुपए हिस्से में सोचा कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बगैर खोपड़ी के भी जिंदा है 2 करोड़ के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं है मैंने उसको बोला गोली चला दे उसकी समझ में नहीं आया मेरे को घसीट के ले जाके गाड़ी में बिठाया एक इधर बैठ गया एक इधर 2 आगे मेरा ये पैर कांपने लगा अनवर उसने जब बंदूक लगाई बोला ए इसको रोको मैंने रोक लिया ये चालू हो गया उसने बोला इसको भी रोको मैंने ये भी रोक लिया लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था कि मैं अंदर से कांप रहा हूं ये पॉलिटिक्स है जी ये पॉलिटिक्स है खैर मेरे को ले गए घर में बोगदा नहीं आता थोड़ी देर के लिए आदमी अंधेरे में जाता है फिर उजाले में आ जाता है उसको क्या बोलते हो तुम लोग मैंने सुरंगी सुना था कौन है मेरे को तपा रहा है खामा गार गार बोल क्या बोलते है तो पहले का को नहीं बोलता है तेरी बदमाशी में देखता हूँ टीवी पे जो तुम करते हो बात मेरे को लेके गार में पहले 4 दिन बहुत इज्जत की सेठ साहब देखे ना सेठ साहब आइए ना सेठ साहब खाइए ना मैं बोला अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे देते कितने नेक बच्चे मेरे को बोल रहा है 4 दिन के बाद इन लोगों के मूड चेंज हो एक दिन एक आया शाम को बोलने लगा सेठ नाचो आपसे नहीं मेरे बाप से बन कौन था आपके कौन बन था मैं बन था कि मेरा बाप बन गया आप किसी पर गुस्सा दिला रहा कौन बनता मेरा बाप बनता कि मैं बनता आप किसी पर खाली पीने में बात करते हो मेरे को बोला नाचो मैंने बोला ये कोई सरिया पता है इतने बड़े सेठ को बोलते हो नाचो फिर उसने बंदूकड़ी निकाली बोला नाचो मेरे जैसे तैसे था थाई कर दिया लेकिन एक बात है 4th दिन से परफेक्शन आ गई थी ऐसे ऐसे तोड़े लगाए मैंने इन लोगों की तबीयत खराब कर दी इनका दिमाग खराब कर दिया अब वो सोते थे मैं उठाता था उठो मैं नाचूंगा बोल लगे शेर साहब माफ कर दो मैंने बोला मेरे को इस लाइन पे डाला काहे को लेकिन एक बात है अनवर अभी मैं छूट के आ गया लेकिन मेरे साथ बड़ी जाती होगी क्या हुआ शेर साहब आखिरी दिन के डांस की उन्होंने वीडियो बना ली ₹10 पे केसिन बाजार में बिक रही है जिधर से गुजरता हूँ आवाज आती है सेठ क्या नाचा है शुक्रिया सर बहुत बहुत थैंक यू